हेलो दोस्तों हैप्पी रक्षाबंधन आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन एनिमेशन इन स्क्रैच ये हमारे पास एक भाई बहन है जो कि राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आसपास इनके बैकग्राउंड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है हैप्पी रक्षाबंधन का बड़ा सा मैसेज आ रहा है और साथ में स्टार्स भी टिमटिमा रहे हैं तो ये हमें एनिमेशन बनानी है शुरू करते हैं एज यूजल स्क्रैच डॉट एमआईटी डॉट ईडी में जाएंगे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो एनिमेशन का नाम रख देते हैं रक्षा बंधन एनिमेशन फिर बैकग्राउंड चूज करेंगे इसमें हम एक नहीं मल्टीपल बैकग्राउंड्स यूज कर रहे हैं तो हम सारी बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे एक तो यूज कर रहे हैं हम स्टार्स दोबारा इसके ऊपर क्लिक करो अगर नेक्स्ट बैकग्राउंड ऐड करनी है नेक्स्ट इज हार्ट एंड अनदर इज इस पैटर्न में जाओगे ना आप स्ट्राइप आप चाहो तो एक और ऐड कर सकते हो आपके ऊपर है आप कितनी ऐड करना चाहते हो नेक्स्ट इज इस कैट को डिलीट कर देते हैं अब हम स्प्राइट ऐड करना शुरू करते हैं तो स्प्राइट कौन कौन से हैं एक तो जो ये भा, भाई बहन का पेयर है ये एक स्प्राइट है उसके बाद जो हैप्पी रक्षाबंधन लिखा आ रहा है ये एक स्प्राइट है अनदर इज जो छोटे छोटे आपको स्टार्स दिख रहे हैं दैट इज अ स्प्राइट तो पहले तो ये भाई बहन का जो पेयर है इसको ऐड करेंगे भाई बहन का देखो पेयर तो लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलेगा वो मैंने ऑलरेडी गूगल से डाउनलोड करके रखा हुआ है आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तो अपलोड स्प्राइट का ऑप्शन आएगा तो ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है मैं इसको डायरेक्टली अपलोड कर दूंगी आप चाहो तो कोई और इमेज डाउनलोड कर सकते हो जो आपको पसंद हो और आप इसको बिल्कुल बीच में ले आइए बीच में लाने का तरीका क्या होता है आप गो टू ब्लॉक उठाइए एक्स और वाई दोनों को जीरो कर दीजिए ये बीच में आ जाएगी इमेज और इसको हम बाइंड कर देते हैं वेन ग्रीन के साथ ये देखिए जब मैं ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये इमेज एकदम बीच में आ गई है नेक्स्ट इज हैप्पी रक्षाबंधन का जो एक मैसेज आ रहा है ना इसको डालते हैं इसके लिए पेंट में जाएंगे टी पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे हैप्पी रक्षाबंधन लिखेंगे हैप्पी रक्षा बंधन इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसका कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो रेड कर सकते हो जो आपको पसंद हो वो कर सकते हो फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट आप चाहो भी चेंज कर सकते हो की जगह पे ये मार्कर है, है जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो अब इसको एनिमेट करते हैं अगर आप इसकी एनिमेशन देखोगे तो इसकी एनिमेशन है कि ये ऐसे घूम के आ रहा है है ना एक बार तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होके आता है एक बार एंटीवाइज एंटी क्लॉक वाइज रोटेट होता है रोटेट करने के लिए टर्न करने के लिए हमारे पास एक ब्लॉक होता है टर्न ब्लॉक टर्न क्लॉक अब देखो फिफ्टीन डिग्री अब अगर आप टर्न करोगे इसको थ्री सिक्सटी पूरा घुमाने के लिए आपके कितने राउंड लगेंगे ट्वेंटी फोर थ्री सिक्सटी बाई फिफ्टीन इज ट्वेंटी फोर तो इसको रिपीट ब्लॉक में डाल देंगे कंट्रोल में जाएंगे रिपीट ट्वेंटी फोर इसको बाइंड कर देते हैं वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक के साथ अभी देखिएगा थोड़ा सा हो गया है। इसकी को पहले 90 कर देते हैं तो फिर टेढ़ा ही रह जाएगा पॉइंट इन डायरेक्शन 90 अब दोबारा ट्राई करते हैं ये देखिए पहले 90 डिग्री डायरेक्शन में आया फिर ये 15 डिग्री रोटेट uh, हो हो के कम्प्लीट इसने 360 डिग्री का एक क्लॉकवाइज uh, रोटेशन कर लिया ठीक है? अब इसके बाद दोबारा देखिए इधर ध्यान से ये थोड़ा सा पहले बीच में गायब होता है और उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है तो एक बार इसको बीच में गायब कर देते हैं के लिए बहुत थोड़े टाइम के, के लिए ठीक है और यहां पे पहले गायब भी करेंगे हाइड फिर गायब होने के बाद ये शो होगा और फिर इसी रिपीट को आ, रिपीट uh, करते हैं डुप्लीकेट और ये हाइड शो वाली चीज हटा देते हैं और इसको इस बार टर्न 15 डिग्री क्लॉकवाइज की जगह कर दीजिए शुरू में भी शो कर दीजिए और इसके साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली वेरी सिंपल फॉर एवर डाल दीजिए फॉर एवर ब्लॉक कंट्रोल फॉर एवर ब्लॉक और इसके बहुत सिंपल होता है ये चीज करना चेंज कलर इफेक्ट बाय 10, 15, जो आपको सही लगता है 15 कर देते हैं और ग्रीन के साथ बाइंड कर देते का एनिमेशन हो गया है अब जो आखिरी चीज बची है वो है हमारे पास स्टार्स जो टिम टिम कर रहे हैं तो स्टार्स चूज करेंगे अब स्टार की स्क्रिप्ट लिखते हैं हमें यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल स्टार्स चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे क्लोनिंग का कंट्रोल तो, में में सेक्शन जाके होता है क्रिएट क्लोन ऑफ़ सेल्फ मतलब मेरा डुप्लीकेट तो कर दो अगर आपको टेन स्टार्स चाहिए तो टेन कर दो, उतने आपके बन जाएंगे. और उसके बाद मुझे क्या चाहिए सबका सब कलर थोड़ा डिफरेंट चाहिए राइट चेंज कलर इफेक्ट बाय टेन यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर दो और इसको हम बाइंड कर देते हैं वे ग्रीन फ्लैग क्लिक जब डुप्लीकेट बन गया डुप्लीकेट की भी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी वेन आई स्टार्ट एज ए क्लॉन जो डुप्लीकेट बना है ना उसके अलग से स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है अगर आपको क्लॉनिंग के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो प्लीज जाके आप क्लॉनिंग वाली वीडियोस देखिए क्लॉनिंग को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा वेन आई स्टार्ट एज ए क्लॉन तो एक तो पहले तो इसको रैंडम पोजिशन पे भेज दो ताकि जो सारे स्टार्स है वो अलग अलग जगह पे चले जाए आपको ये टिमटिमाने वाला इफेक्ट दिख रहा है थोड़ा चेंज करो चेंज साइज बाय लुक सेक्शन में जाके चेंज साइज बाय अब वो जो कभी क्या हो रहा है कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है तो इसको हम रेंडमली करते हैं पिक रैंडम नंबर फ्रॉम माइनस थ्री टू टू ओके और इसके साथ इसको क्या करो फोर एवर में डाल दो ताकि ये चलता रहे, ओके okay? अब ये देखिए अगर आपको ये जो स्टार्स हैं थोड़े बड़े लग रहे हैं तो आपका आप इनका इनिशियल साइज 50 भी 50 परसेंट भी कर सकते हो अगर आपको ठीक लग रहा है तो इट्स फाइन सेट साइज टू फिफ्टी परसेंट ये देखिए देखिये सारे स्टार जैसे थोड़ा 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 टिमटिमाते रहेंगे अब आखिरी एक चीज बची है वो है कि बैकग्राउंड चेंज होती रहे बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे उसके लिए बैकग्राउंड की कोडिंग करनी पड़ेगी स्टेज पे क्लिक कीजिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्टेज पे क्लिक करना है अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे जब आपने स्टेज पे क्लिक कर दिया स्टेज की भी आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक इट इज वेरी सिंपल बस आप जब आप स्टेज पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे कॉस्ट्यूम की जगह पे आपको बैक, बैक दिखेगा वो ये रहा सारी बैकड्रॉप ठीक है जो फर्स्ट वाली खाली बैकड्रॉप है ना इसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो ताकि ये वाली बैकड्रॉप काउंट ना हो ठीक है ये आ गई तीनों बैकड्रॉप दिस दिस एंड दिस तो आप किसी भी बैकड्रॉप से शुरू कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल लुक सेक्शन में जाइए स्विच बैकड्रॉप टू स्प्राइट्स मतलब स्ट्राइप्स वाली बैकड्रॉप को सिलेक्ट करो सबसे पहले उसके बाद बहुत सिंपल है नेक्स्ट बैकड्रॉप करते जाओ कॉन्टिन्यूसली और चलता रहेगा आपका कंट्रोल फॉर एवर अब ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है तो आप इसमें क्या करो एक थोड़ा सा वेट डाल दो वेट लेट्स से जीरो पॉइंट टू सेकेंड्स का जीरो पॉइंट टू सेकेंड्स का वेट भी काफी होता है अगर आपको वेट बढ़ाना है तो वेट बढ़ा भी सकते हो तो ये हो गई हमारी कंप्लीट हैप्पी रक्षाबंधन एनिमेशन अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को एक्सेस करना चाहते हो, देखना चाहते हो हो देखना कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया है जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन आप पूरी इस एनिमेशन को एक्सेस कर पाओगे और देख पाओगे अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा उनको हैप्पी रक्षाबंधन विश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहें बाय टेक केयर